बिजू अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू द ब्रांड न्यू व्लॉग। तो कैसे हैं सब, उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे। आपका भाई सुबह सुबह कैसे उठ गया भाई जान? रेस हो रही है रेस कोर्स के बिल्कुल बाहर, और वहाँ से रेस शुरू होगी लबट्टी तक, तकरीबन 4.6 किलोमीटर बन जाता है। जो भी विन करेगा वो जीतेगा जी 1 लाख रुपीज, जो सेकेंड आएगा उसको मिलेंगे 50,000 और जो थर्ड आएगा उसको मिलेंगे 30,000। तो आपके भाई ने भी पार्टिसिपेट कर दिया, जिसने भी पार्टिसिपेट करना है मैंने लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे लिंक पे जाके आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो। मैं और उजैर साहब आए हुए हैं सुबह सुबह बाहर, यहाँ पे हम बिजू को लेके आए हुए हैं। मैंने कहा चलो जी बिजू को थोड़ा सा फिरा लेते हैं। मेरी जान कच्ची हो, मेरी जान आजकल बहुत गुस्से में है। अच्छा, मैंने कहा यार इसी बहाने आप जा रहे हो बिजू को फिराने, ये अक्सर मॉर्निंग के टाइम में बिजू को ले आता। मैंने कहा यार बिजू को ले जाना, मुझे उठा देना ताकि मैं भी थोड़ी सी वॉक वगैरह एक्सरसाइज वगैरह कर लूं। लोगों से कह दो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें फटाफट से, जो सब्सक्राइब नहीं करते कह दो ना। मैं तुम्हारे बाप का नौकर नहीं। ज़ैफ आपने डोरी वगैरह खोल दी, ये ना हो कि बिजू भाग जाए। नहीं भागता ये, सच बोलो। A few moments later, एक्सरसाइज हो गई है, घर चलते हैं। आ जाओ ज़ैफ, बिल्ली को ले आओ, चले घर चले। यार भैया बिल्ली नहीं बिल रही, मैंने आपकी वीडियो बना रहा था ना, बिल्ली नहीं बिल रही। मैंने जो कहा भी था कि बिल्ली को खुला ना छोड़ दे, बिल्ली नहीं मिल रही है, क्या बात हुई? किधर गई है? पता नहीं किधर चली गई है। बिजू को लास्ट टाइम कहाँ पे देखा? बिजू को यहाँ पर छोड़ रहा था, पट्टा खोल के, वो बड़ा पट्टा तो ले। तुझे मैंने कहा भी था उसको ना खोल, तूने क्यों खोला? मैं कहा घूम फिर लेगी। मेरी यहाँ वीडियोस बना रहे थे, लगे मैंने को मना भी किया, उसको खुला ना छोड़ो, उसको कोई बांध दो ताकि अगर दोबारा आएंगे तो मेरी नजर तो आ जाएगी। अब कहाँ ढूंढेंगे उसको हम यहाँ पे? यार यहाँ पे इतनी ज्यादा जा रही है, मैं कहाँ पे ढूंढूँ? ऊपर से वो बेजुबान है, वो कहाँ मैं बता सकता है? ध्यान से जाना, नीचे कोई चीज ना लगवा लेना, आपके भी काम निराले ही है। देखो खैर से मिल जाएगी, इतनी दूर नहीं कहीं गया होना। बिजू कहाँ पे हो मेरी जान? बाहर आ जाओ यार, इधर तो कहीं नजर नहीं आ रही। क्या करना ज़ैफ, अब अगर वो ना मिली तो घर वालों ने आपको घर के अंदर तो नहीं जाने देना, ना मुझे जाने देना। आपको पता है मैं छोटा सा बच्चा लेके आया था, मासूम सा, हमारी उसे इतनी अट्रैक्शन होगी हुई है, इतनी अट्रैक्शन होगी हुई है, सही सही रात हमारे साथ आके बिस्तर में सो जाता है, सारों के साथ इतना ज़्यादा इंगेज्ड है। उसको सुबह उठ के मम्मा ने सबसे पहले उसको खाना वगैरह डालना, और ये जनाब रोजाना लेके आते हैं, इसको मिल नहीं रही। और उस तरफ जाके देख, यहाँ पे खड़ा हुआ था ये, यहाँ से पता नहीं अब कहाँ गई है, ऊपर से इधर यहाँ पे इतनी ज़्यादा है कि पता ही नहीं चल रहा किधर गई है तो किधर नहीं गई। यार भाई जान बिजू नजर नहीं आ रहा, अब क्या करना है यार? अगर नहीं मिलेगा तो फिर घर वाले जाहिर सी बात है बोलेंगे, और क्या कहेंगे भैया? घर वालों को भी इतनी अच्छी लगती है बिल्ली। अब मैं वही बात करूँ ना कि घर वालों की इतनी ज़्यादा बॉन्डिंग हुई हुई है, अट्रैक्शन बनी हुई है। मैं खुद यार बहुत ज़्यादा सुबह उठ के सबसे पहले मैंने देखना बिजू क्या एक्टिविटी कर रही है, और घर में फिश्ता जिसे कहते हैं ना, फिश्ते जैसी है वो, ना मासूम सी जान है यार, उसको मैंने ला के देना, ना उसने कोई चू करनी, ना उसने कोई तंग करना, ना उसने आज तक कोई हमारा नुकसान किया है। और इस जनाब ने उसको पता नहीं कहाँ पे घुमा दिया, मिली नड़ी। मैं 15 मिनट हो गए यहाँ पे ढूंढ रहा हूँ, इतनी ज़्यादा यहाँ पे ये खड्डे हैं, ये देखो पता नहीं जंगल जैसा ये तो लग रहा है मुझको। जंगल ही है और क्या है, ऊपर से दूसरी बात ये है कि वो आज तक कभी बाइट ज़्यादा रहा नहीं है। ये उसको एक दो दफ़ा लेके आया है, और मतलब हम लेके आते थे बाइट थोड़ा सा फिराते थे, उसको ले जाते थे यहाँ पे। तो अब वो अगर अल्लाह ना करे अगर नहीं मिलती तो मेरा नहीं ख्याल कि वो यहाँ सर्वाइव कर सकती है। यहाँ के जो आवारा बिल्ले वगैरह वो तो वैसे उसको पंजे मार मार के ख़त्म कर देंगे। यार ये वाली सारी की सारी जगह देखा है, ये वाली ज़ैफ देखेगा। अब मैं यहाँ पर जा रहा हूँ, इधर आओ यहाँ पर देखो। ध्यान से कि ना जाना। बिजू यहाँ पे कहीं भी नजर नहीं आ रही, कहाँ से
ये देखे जी हमारे यहाँ पे जो हालत तो आम है, लोगों ने यहाँ पे बकरे की सीढ़ियाँ वगैरह ना यहाँ पे फेंकी हुई हैं। सदका वार के फेंका होगा, उस बंदे की जो फात है वो तो मेरे ऊपर आएंगी। अब मैं यहाँ से इसके ऊपर से गुजर गया हूँ बेदहानी से, तकरीबन घंटा होने वाला है मुझे यहाँ पे ढूंढते हुए। वहाँ पे भी सारा ढूंढ लिया है, इधर भी मैंने सारा ढूंढ लिया है। ये सारा का सारा जंगल लग रहा है और मुझे तो दूर दूर तक, मैं उस तरफ भी हो आया हूँ, जैफ उस तरफ भी हो आया, वो अंकल वहाँ पे काम कर रहे हैं, मैंने उनसे ही पूछा, वो कह रहे हैं नहीं देखा। अब मुझे समझ नहीं आ रही मैं यहाँ पे क्या करूँ क्या ना करूँ। आधा घंटा घंटा और यहाँ पे देखते हैं, वेट करते हैं, तलाश करते हैं, फिर रब की जो मर्जी, क्या कर सकते हैं इसमें। इधर देखो आप, इस तरफ देखो आप, ये आखिरी लास्ट ही है, बाकी तो सारा ही हो गया, कोई नज़र ही नहीं आ रही यार। मुझे नहीं लगता वैसे यहाँ तक आई होगी, लेकिन मैं फिर भी अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए यहाँ तक आ गया यार। है इसी जगह पे, यहाँ पे कहीं आसपास है, मैं वहाँ पे पिक्चर्स बना रहा था वहाँ पे, और इसने वहाँ पे खुली छोड़ी हुई थी वहाँ से। अब इसी जगह पे कहीं आसपास आई है, ढूंढने को तो खुदा भी मिल जाता है, तो बिल्ली कौन सी बड़ी चीज़ है। कोशिश तो मैं अपनी तरफ से कर रहा हूँ, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा ना खतरनाक है, नीचे खड्डे वगैरह भी हैं और ओस भी पड़ी हुई है, क्योंकि मॉर्निंग का टाइम है। कोशिश कर रहा हूँ, अल्लाह करे कि मिल जाए। देख के जाओ, यहाँ पे बीच में कांटे वाले दरख्त भी हैं, ध्यान से झाड़ियाँ वगैरह भी, खड्डे देखें, ये खड्डे बने हुए हैं इतने बड़े बड़े। ये लग गया मुझे, कांटा लग गया। कहाँ पे है यार मेरी जान, ये बैठा हुआ है, नहीं ये कोई और है। बिजू आ जा यार, तेरे बगैर जी नहीं लगना। इंसान तो वैसे भी धोखा कर जाते हैं, ये ऐसा जानवर है कभी बेवफाई नहीं करता यार। और मेरी से इतनी ज़्यादा बॉन्डिंग हो गई थी कि हमारी घर की ये पहली कैट है, और अल्लाह ना करे अगर नहीं मिलती तो मेरी लास्ट कैट भी हमारे घर की यही है। यार बहुत ज़्यादा कोशिश कर ली है, बीजू कहीं पे भी नहीं मिल रहा, सारा मैंने देख लिया है, इधर भी चला गया हूँ, उधर भी चला गया हूँ, उधर भी चला गया हूँ। जैफ ने भी बड़ी कोशिश की है लेकिन कहीं पे भी नज़र नहीं आया। अब मुझे नहीं समझ आ रही मैं क्या कर सकता हूँ। अब जैफ को यहाँ पे हम छोड़ेंगे, ठीक है, आधा घंटा घंटा दो घंटे यहाँ पे रहेगा और कोशिश करेगा अपनी पूरी। मैं घर जाता हूँ, घर जाके मैंने अभी तो नहीं बताना, अभी बताऊँगा तो जाहिर सी बात है वो गुस्सा करेंगे, पूछेंगे मेरे से। अब आप यहाँ पे बैठो, एक दो घंटा वेट करो, ढूंढो वगैरह, शायद घूम घुमा के आपके पास आ जाए। सारा देखो एक दफ़ा पूरा, एग्जैक्ट एक चीज़, एक एक जगह, जितना आप कर सकते हो अपनी पूरी एफर्ट जितनी कर सकते हो करो, और फिर मुझे बताना, वरना अगर जरूरत पड़े तो मुझे कॉल कर देना, मैं आ जाऊँगा, ठीक है। ओके, ढूंढ के आना है आपने, ओके। सिर्फ मैंने ओके नहीं सुनना, अगर गलती की है तो उसको मिस्टेक को पूरा करना है आपने, क्योंकि घर वालों ने आपसे पूछना है, मुझसे नहीं पूछना, आप लेके निकले हुए थे, आई समझ। ढूंढ के आना है बाप ने, खाली ऐसे काम नहीं चलेगा, मुझे बिल्ली चाहिए जहाँ से मर्जी ला के दो। 2000 years later. लगता है यार ज़ैफ भाई आ गया है, जोर जोर से दुआ सरकार है, अल्लाह करे जी गुड न्यूज लेके आ गया हो। हाँ जी भाई ले आयो। भैया आप चले गए थे, मैं दो घंटे से ढूंढता रहा हूँ, मुझे किधर भी नहीं लग रहा है, वो कहीं भी नहीं मिला। आओ मेरे साथ चलो, मैं देखता हूँ। कैसे हो भाई, ठीक ठाक हो? यार ये आपने बिल्ली देखी है यहाँ पे? ये वाली नहीं भैया, नहीं देखी कहीं, इधर आसपास ग्राउंड में कहीं भी नहीं देखी। हाँ मेरे इधर, मैं इधर आया अपने दोस्त के साथ, तो मुझे ये बिल्ली इधर उधर कहीं नहीं नजर आई। ओके थैंक यू। कैट देखी आपने यहाँ पे? नहीं देखी यहाँ पे, यहाँ के माली वगैरह का पता कौन है यहाँ पे गार्डन में? कोई किसी का नहीं पता। थैंक यू। कैट देखी आपने? नहीं देखी यहाँ पे, आप काफी देर से मैंने देखा नहीं। यार मेरी सुबह यहाँ पे गुम हुई है, मैं काफी देर से तलाश कर रहा हूँ लेकिन मिल नहीं रही। इधर एक झाड़ियों में वैसे ना मैं बॉक्स पे लेके आया हूँ, छुट्टियाँ मेरे से झाड़ियों में गई है, उसके बाद कहाँ गई है, आधा घंटा घंटा होते नहीं मिली। पर्शियन मैंने पाली भी नहीं, लेकिन ये इसमें थोड़ी चेंज है, इसमें लुक इसके बाद में लग गई है, मोटी धुंधली हो गई, नहीं वो वाली मैं। ओके थैंक यू यार। ये बिल्ली देखी है आपने? नहीं भाई ये भी देखी है, 2007 हो गई। कितनी कितनी देर पहले देखी आपने? 5-10 मिनट हो गए। आप स्कूल से आ रहे हैं? दो लड़के छोटी एज के थे, बड़ी एज के? बड़ी एज के थे। मतलब क्रिकेट वगैरह खेल रहे थे या वैसे ही गुजर रहा था? गुजरते गुजरते कहता मैं कहते भाई किसकी बिल्ली है, कहता नहीं मारी बिल्ली मारी बिल्ली है। यहाँ पे जितने भी लोग मौजूद थे सबसे पूछ लिया है, कईयों को नहीं पता था, और एक लड़का जो स्कूल का मिला है वो कह रहा है कि यार यहाँ पे दो लड़के हैं वो उठा के ले गए हैं। मुझे काफ़ी ज़्यादा जो है ना दुख भी हो रहा है, काफ़ी ज़्यादा अपसेट भी हूँ मैं, और अभी तक मैंने फैमिली को नहीं बताया, क्योंकि मैं कोशिश कर रहा था कि यार कहीं ना कहीं से मिल जाए। अब मुझे खुशी इस चीज़ की भी है कि चलो यार कहीं ले गए हैं तो वो उसको जाके पाल लेंगे, उसकी केयर कर लेंगे, यहाँ पे वो जंगल के अंदर कहाँ पे वो सर्वाइव करता, क्योंकि शाम भी होने वाली है, सूरज देखें बिल्कुल डिम हो गया है, और कुछ देर तक यहाँ पे शाम वगैरह भी हो जाएगी, और वो बिल्ली हमारी इस तरह की है वो ठंड के अंदर सर्वाइव भी नहीं कर सकती।
बाकी अल्लाह पाक का जो हुक्म, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता, इंसान इसमें कुछ भी नहीं कर सकता। सो जो दिल करे आपका वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, वो आपकी अपनी मर्जी है। भाई को दुआ में याद रखें, अल्लाह पाक की यही मर्जी थी, इंसान की कोई मजाल नहीं, इंसान कुछ नहीं कर सकता, जो तकदीर में लिखा होता है वही होता है। थोड़ा सा अपसेट तो हूँ लेकिन कोई बात नहीं, अब क्या कह सकते हैं इसके अंदर। अपना ख्याल रखें, भाइयों को दुआ में याद रखें, अल्लाह हाफिज़।